नमस्कार। डोमेस्टिक वायरिंग का इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन का। इसके लिए हम मैगर इस्तेमाल करेंगे। ये मैगर है, लाल और काला टर्मिनल है और ये इसकी प्रॉब है। ये ऑन का बटन है। अभी ये 500 वोल्ट का मैगर है। ये यदि मैं इस नोब को 250 वोल्ट पे लाता हूं तो ये 250 वोल्ट का मैगर हो जाता है। 100 वोल्ट पे लाता हूं तो 100 वोल्टेज का मैगर हो जाता है। हम अभी इसको 500 वोल्ट पे टेस्ट करेंगे। यहाँ 1000 वोल्ट का मैगर होता है। यहाँ पर जो है ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। टेस्ट बटन जब दबाते हैं तो 0.9 1 मेगा ओम अभी ये रीडिंग दे रहा है। अब यदि हम ये काला टर्मिनल हटा के यहां लगा दें तो ये सीरीज में हो गए। अब हम टेस्ट करते हैं तो 2 मेगा ओम बताता है ये। इसी तरीके से ये कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है, इसको हम टेस्ट करते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस को जब टेस्ट करते हैं तो ये 10 मेगा ओम बताता है। अब इसका टास्क नंबर 1, इंस्टॉल फ्यूजेज ऑफ करेक्ट रेटिंग इन द मेन एंड ब्रांच सर्किट। हम अभी ब्रांच सर्किट तक नहीं जा रहे क्योंकि ब्रांच सर्किट कोई वीडियो में दिखाना अभी संभव नहीं है। दूसरा टास्क है पोलैरिटी टेस्ट। चित्र संख्या 2 के अनुसार हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारे स्विच में ही फेज आ रहा है। ये कार्यशाला है जिसमें ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये लाइटें लगी हुई है जिनका स्विच बोर्ड जो है वो ये है, खोला हुआ हमने इसको, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे नहीं जाके हमने यहीं पर इसका एक स्विच लगा दिया। दूसरा ब्लॉक जो है वो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में लाइटें चालू रहेंगी और उसका स्विच बोर्ड जो है वो दूसरी जगह है। हम सॉकेट में टेस्ट करते हैं सबसे पहले, तो अर्थ के थ्रू टेस्ट करो इसको। स्विच से नियंत्रित हो रहे हैं ये। इसी तरह से स्विच बोर्ड के पीछे भी हम देखेंगे। स्विच बोर्ड को पीछे लें और अर्थ के साथ में लगा के और स्विचों पर टेस्ट करें। हम दूसरे स्विच पे भी टेस्ट करो तो सभी पे जो है फेज आ रहा है। तीसरा टास्क ये है कि टेस्ट द पोलैरिटी इन सॉकेट। चित्र संख्या 3 के अनुसार हमें सॉकेट में देखना है राइट साइड में ही फेज है और वो स्विच से नियंत्रित हो रहा है, जिसको हम फेज टेस्टर से भी चेक करेंगे। अभी राइट साइड में जो है टेस्टर आ रहा है, स्विच बंद करो। ये राइट साइड में फेज आ रहा है। ये अर्थ का तार है और ये फेज का तार है। अर्थ के साथ हम टेस्ट करते हैं। अर्थ का तार जो है हरा वाला तार इस टर्मिनल पे लगा हुआ अर्थिंग के पे। अब न्यूट्रल में लगाओ, न्यूट्रल और फेज। अब अर्थ और न्यूट्रल में लगाओ। इस तरह से हमने जो है इफेक्टिवनेस ऑफ अर्थ चेक किया। टास्क नंबर 5 है कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट। इसके लिए हम चित्र संख्या 5 के अनुसार मेन सप्लाई को ऑफ कर देंगे और मैगर का इस्तेमाल करेंगे। मैगर को हम मेन सप्लाई पर ही लगा देंगे। मेन सप्लाई ऑफ करो। ट्यूबलाइट बंद हो गई हमारी, चालू करो, बंद करो। कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए मैगर का काला टर्मिनल न्यूट्रल वाले कनेक्शन पर लगा दिया जो कि नीले तार से होता हुआ इस काले तार से जुड़ा हुआ, और जो लूप वायर है जिसमें फेज आ रहा है इस स्विच बोर्ड में, ये स्विच इस तरह से लगे हुए हैं। जो लाल स्याही से तार बनाया हुआ है इसमें, वो फेज का तार है जो आपस में सभी स्विचों में फेज उपलब्ध करा रहा है। लाल टर्मिनल हमने फेज पे लगा दिया। हमने स्विच बोर्ड को घुमा दिया है। मीटर का काला टर्मिनल न्यूट्रल पे लगा हुआ है, लाल टर्मिनल फेज पे लगा हुआ है। अभी जो है
टेस्ट बटन दबाओ, सारे स्विच ऑन है, टेस्ट करते हैं तो ये जीरो ओम बताता है, इसका मतलब अभी कंटिन्यूटी है। अभी मैं स्विच बंद करता हूं तो ये अभी ओपन हो गया और इन्फिनिटी बता रहा है मेगा ओम। मैं यदि स्विच चालू करता हूं तो ये जीरो ओम बताता है, स्विच ऑफ कर दिया ओपन, दूसरा स्विच ऑन करता हूं तो भी ये कंटिन्यूटी बताता है। तो इस तरह से हमने कंटिन्यूटी टेस्ट किया। इंसुलेशन टेस्ट टू अर्थ, चित्र संख्या 6 के अनुसार वह चित्र संख्या 7 के अनुसार मेन सप्लाई को हम बंद रखते हुए फेज और न्यूट्रल दोनों को शॉर्ट करके मैगर के एक टर्मिनल पर दे देंगे, मैगर का दूसरा टर्मिनल हम अर्थ टर्मिनल पर लगाएंगे। ये जो न्यूट्रल का टर्मिनल है उसको हम यहाँ फेज के टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और मैगर का एक टर्मिनल यहां लगा देंगे और दूसरा मैगर का टर्मिनल अर्थ के साथ में लगा देंगे। न्यूट्रल का तार और फेज का तार हमने एक जगह ज्वाइंट कर दिया, नीला तार और जम्पर को। अब हम टेस्ट बटन दबाते हैं, काला टर्मिनल हमने अर्थ वाले टर्मिनल पे लगा दिया जिसपे हरा तार है। टेस्ट बटन दबाने से 832 मेगा ओम और अब ये इन्फिनिटी 1000 मेगा ओम से ज्यादा इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। तो इस मैगर से हम हमारी इंस्टॉलेशन के फेज और न्यूट्रल के साथ में अर्थ से इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं अभी, और वो 1000 मेगा ओम से ज्यादा है, अर्थात इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी स्थिति में है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, चित्र संख्या 6 के अनुसार मेन सप्लाई ऑफ रखते हुए फेज और न्यूट्रल दोनों के बीच में हम इंसुलेशन चेक करेंगे। न्यूट्रल पर हमने काला टर्मिनल लगा दिया मेगर का और लाल टर्मिनल हमने फेज वाले वायर पे लगा दिया। अभी टेस्ट बटन दबाते हैं हम, कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में इंसुलेशन अभी इन्फिनिटी बता रहा है। टेस्ट करते समय बल्ब, पंखे एवं अन्य लोड सभी डिसकनेक्टेड है। इस प्रकार आज हमने ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत टेस्टिंग ए डोमेस्टिक वायरिंग इंसुलेशन बाई यूजिंग मैगर के द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया। आपने ये वीडियो देखी, धन्यवाद।